चौधरी रामकुमार वाले जी, सीधे आपके पास आते हुए, आज की ये जो बैठक होने जा रही है, क्या सकारात्मक दिशा में कोई कदम माने जा सकते हैं सरकार की ओर से? बड़े बड़े पन्नों का आज एक तरीके से जानकारी भी दी गई कि 10 सालों में किस तरह के कामकाज किए गए हैं उसकी ओर से, लेकिन किसानों की जो मांग है, क्या ये माना जा सकता है कि आज कुछ मांगों पर सहमति बन जाए, बीच का कोई रास्ता निकले? देखिए, निश्चित तौर पर जो सरकार बात कर रही है तो इससे किसानों को सरकार की मंशा को समझना चाहिए। सरकार बार बार किसान नेताओं को दावत दे रही है कि आप आइए, बात कीजिए, बात के दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जो कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि सरकार और किसानों के बीच में समझौता हो। कौन लोग हैं? बहुत लोग हैं, हमारे आम आदमी पार्टी के लोग मित्र हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हमारे कांग्रेस के लोग हैं, किस किस का नाम लो। हाँ। ये लोग जिनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता से और किसानों के प्रेम से उनको लग रहा है कि आने वाले समय में किसानों का भी एक तरफा वोट भाजपा को मिलने वाला है, प्रधानमंत्री जी को मिलने वाला है। तो इसके तहत किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें ला रहे हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे ला रहे हैं कि जिनका समाधान कोई कर ही नहीं सकता है। अरे तो सरकार प्रमुख चेहरों से बातचीत करे ना, जो बड़े चेहरे हैं उनसे बातचीत करके समाधान की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन आपने महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं भूपेंद्र रावत जी, सीधे आपके पास आते हुए, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसको बल तब और ज्यादा मिलता है जब कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। आंदोलन के मुख्य चेहरों में से एक है जगजीत सिंह डल्लेवाला जी, उनका वीडियो वायरल है जिसमें वो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है और उसको कम करना है, इस वजह से बहुत जरूरी है आंदोलन को धार दिया जाए। तो जब इस तरह के बयान वायरल होंगे सोशल मीडिया पर, तो फिर मंशा नहीं उठाए जाएंगे कुछ लोगों को लेकर कि क्या करना चाहते हैं? चित्रा जी देखिए, एक जो आप कौन सा वीडियो वायरल हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, किसान दिसंबर से निरंतर लिख के दे रहे हैं, पहले आपको पूरे मसले को भी समझना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी के चेयरपर्सन थे, उन्होंने भी कहा था कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए जी। किसान आंदोलन के बीच में आपने देखा लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जिन किसानों को रोंदा था, जो मारे गए, जो घायल है, उनको न्याय मिलना चाहिए। ये सरकार का कमिटमेंट है, बिल्कुल सरकार के ही वादों को अगर न्यायालय में अमली जामा, तमाम जो मैं बात करना चाहता हूँ, इन सब को लेकर के कमेटी का भी गठन कर दिया गया था। किसान दिल्ली आएंगे ये बात दिसंबर से लिखित दी गई, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। एमएसपी की गारंटी पर जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि 10 लाख रुपए का सरकार को खजाने से निकालना पड़ेगा, इसका मतलब तो चित्रा जी यह बात साबित होती है कि सरकार यह मानती है कि भारत के किसानों की उपज की जो खरीद है उससे प्रति वर्ष 10 लाख रुपए की लूट किसानों की हो रही है। यह बात मैं नहीं, सरकार के आंकड़ों से लग रहा, लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। किसानों ने यह कहा कि हम दिल्ली नहीं आना चाहते हैं, जो मांगे हैं, जो कमिटमेंट है सरकार का, आपने उस कमिटमेंट को अगर सरकार मान जाती है तो किसान वापस चले जाएंगे। लेकिन मैं यह मानता हूं कि भारत में जो अंग्रेजों ने नहीं किया था, आज की तारीख में भाजपा शासित राज्यों से किसानों का गुजर करके दिल्ली आ पाना कितना दुश्वार हो गया। कर्नाटक से किसान चलते हो और मध्य प्रदेश में रेल से उतार कर गिरफ्तार कर दिए जाते हो, पंजाब से किसान चलते हो और वो हरियाणा बॉर्डर पर, वहां पर अगर इतनी पुख्ता बंदोबस्त हमारे देश में गलवान घाटी में की गई होती चीन की सीमा पर, तो गलवान में जवानों की शहादत नहीं होती। अगर पाकिस्तानी सीमा पर किए गए होती तो आए दिन आतंकवादी पाकिस्तानी घुसकर हमारे देश के जवानों को शहादत तक कर रहे होते। बड़ी बातें आपकी ओर से कही जा रही है, ये सच बात है कि जिस तरह की कील बंदी हो रही है वो तस्वीरों को अच्छा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इसी देश ने लाल किले पर तिरंगे के पैरेलल एक झंडे फहराते हुए भी देखे हैं, किसानों की आड़ में उपद्रव करते हुए इसी राजधानी दिल्ली ने देखा। आप कैसे इनकार कर सकते हैं इस बात के? किसानों के कंधे पर क्या बंदूक रखकर कुछ लोग अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं एक सवाल, चित्रा जी, मैं कह रहा हूं कि आजादी अंग्रेजों के कार्यकाल में भी ऐसा नहीं हुआ था। हाँ। क्या हमारे देश के किसान इस लायक नहीं है कि राजधानी में आ सके? ठीक है। क्या हमारे देश के किसानों को प्रधानमंत्री को याद नहीं दिलाना चाहिए? हाँ। या दिल्ली में आने के बाद किसान
के दिल्ली पहुंचने पर हाँ। मैं दावे के साथ मैं कहता हूं कि जो मोदी के रत्न है उसकी पोल खोल झूठ की होने वाली है हाँ। उस झूठ की पोल खोल पर पर्दा डालने का षड्यंत्र है। ट्रैक्टर लेकर क्यों आना चाहते हैं? अगर आना हो तो वो ट्रैक्टर लेकर क्यों आना चाहते हैं? ट्रैक्टर अगर यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आ जाएगा तो दिल्ली वालों का क्या हासिल होगा? किसानों की बात मानी जानी बहुत जरूरी है, लेकिन पैरेलली दिल्ली वाले जो यहाँ पर रोजी रोटी के लिए रोज घरों से निकलते हैं उनकी भी मुश्किलों को देखा जाएगा। जी जो मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किए गए कर्नाटक के किसान वो हाँ। रेल की बोगी में आ रहे थे हाँ। ये झूठ फैलाना बंद करिए। वीरपाल सिंह जी वो रेल की बोगी में आ रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया। देखिए दिल्ली का अपना प्रोड्यूस कुछ नहीं है, सारा माल बास बास के जो हमारे प्रदेश है वहां से आ रहा है, तो कितनी महंगाई बढ़ गई दो दिन में आप देखिए मंडी में जाकर के। किसान भाइयों को जब कृषि मंत्री जा रहे हैं, हमारे दूसरे दो मंत्री और जा रहे हैं, किसान भाइयों की बैठकर अपनी बात कर रहे हैं, दो दौर की बात हो चुकी है, लेकिन तीसरे दौर में उठ के बात करने बुला रहे, तीसरे दौर में उठ के चले गए बीच में बैठक के, ये कौन सा तरीका है भाई? जब तक आप टेबल पर नहीं बैठोगे किसान भाई सभी मंत्री के साथ में जो भी किसान होने प्रतिनिधियों में बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे तब तक कैसे मसला होगा? आप अपने मन में कहते रहिए, ये भी देखो हर देखो केंद्र सरकार हर समय किसानों को खुशहाली के बारे में चिंता है। केंद्र सरकार हर समय चाहती है किसान खुशहाल हो, किसानों की पैदावार बढ़े। देखिए 2012-13 में कृषि का बजट नहीं है, बाकी लोग भी इंतजार करें एक बार वीरपाल जी की बात हो जाए, बाकी लोगों की बात। 2013-14 हाँ। में कृषि का जो आवंटित बजट था 27,662.67 करोड़ था और वही 23-24 में बढ़ा करके 1,25,035.79 करोड़ कर दिया गया। तो ये भी तो एक कदम किसान की अवेयर बढ़ाने, किसान की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने, ये सब कुछ किसान को खुशहाल बनाने के लिए क्या गया है। और ये भी मैं आपको बताता हूँ, अभी 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा हाँ। जिससे छोटे मोटे दूर दराज के जो भी किसान भाई हैं, छोटे मोटे गांव हैं हाँ। सभी को शहर से जोड़ा जाएगा ताकि उनको भी अपना प्रोड्यूस मार्केट में लाने के लिए कोई दिक्कत ना हो सके हाँ। और दूसरे हर समय जब केंद्र सरकार कह रही है किसान भाई को आइए आपके दरवाजे आपके लिए हमारे दरवाजे हर समय खुले हैं, तो बैठे क्यों नहीं बात करते? देखो मैं राजनीति में कहना नहीं चाहता, लेकिन ये जो जो दूसरे तथाकथित नेता हैं वे मिल मिल के जा रहे हैं, पहले 2 महीने से उनकी मीटिंग चल रही है दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ में। मतलब मैं दूसरे कह रहे कहना चाहता हूँ केजरीवाल केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब में किसानों को क्यों नहीं एमएसपी दी? ठीक है, जो स्टेट का मैटर है। मेजर सिंह पूनावाल जी, मेजर सिंह पूनावाल जी आपके पास आते हुए आप वो कह रहे हैं कि राज्य सरकारें जो आपके पक्ष में खड़ी हैं उनसे पहले मांग लीजिए आप, उसके बाद फिर दिल्ली का दरवाजा खटखटाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात सर ये खड़ी हो रही है कि 1.5 महीने बाकी है लोकसभा चुनाव में, उसके ठीक पहले इतने बड़े आंदोलन का क्या मतलब है? हमारी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। पहले तो मैं बोलता हूँ ये बार बार यही रट लगा रहे हैं कि इसको विरोधी पार्टियां उकसा रही हैं। पंजाब में जो आपकी सरकार बनी उसने हमारे साथ कुछ वादे किए कि हम बदलाव ले आ रहे हैं, हम उनके साथ भी लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के घर को 3 दिन घेरा, उनके मंत्रियों के घरों पर, उनके एमएलए के घरों पर लगातार किसान एजिटेशन कर रहे हैं। जहां कांग्रेस की बात है, कांग्रेस वालों ने जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है वो उसको फाइल को नीचे फेंक दिया, उसको सेड़ा नहीं, हम उसके साथ भी लड़ रहे हैं कि उसने भी किसानों की भलाई नहीं की। बीजेपी जब 14 को पंजाब में नरेंद्र मोदी जी आए उसने बोला पंजाब के किसानों हमें वोट दो, मैं आपको एमएसपी दूंगा, मैं आपके 2 करोड़ लोग नौजवानों को रोजगार दूंगा, 15 लाख को हरेक के खाते में डालूंगा। सभी राजनीतिक पार्टियों ने किसानों के साथ सल किया। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं करते, जैसे दूसरा है कि उनके साथ नहीं लड़ते, हम उनके साथ भी लड़ते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। एमएसपी वाली बात जो बोलते हैं कि इतना बोझ पड़ेगा, हम तो इतनी बात ही कहते हैं कि सरकार जो 23 फसलों का रेट अलानती है, उनका प्राइस अलानती है, उस पर खरीदा जाए उसको काम ना खरीदा जाए। व्यापारी खरीदता है उसको बोले कि उस पर नहीं काम नहीं खरीदा जाएगा। जे राट लगाते हैं कि इससे महंगाई बढ़ जाएगी, मैंने टीवी पर पहले भी सुना जी। प्याज हमें 2 रुपए किलो खरीदा गया,
100 रुपए किलो बेचा जा रहा है, ऐसे आलू हमें 2 रुपए किलो खरीद के 50 रुपए किलो बेचते हैं, सरसों खरीदी 200 रुपए किलो, 200 रुपए लीटर उनका तेल बिक रहा है, दालें कैसी महंगी कितनी बिक रही हैं। ये सभी सरकारां व्यापारी की हिमायत करती हैं, किसानों को लूट रही हैं। हम तो जो दिल्ली आने की बात नहीं, 2 साल पहले दिल्ली से वापस आए थे, उन्हीं मांगों पर सरकार ने हमें लिखती जो वादा किया था उनकी बात ही करते हैं। सरकार ने 2 सालों में कुछ नहीं किया। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अब चूंकि इलेक्शन आ गया है सिर पर, और अगर वहां बातें नहीं मानी गई तो इलेक्शन में आप उनको चैलेंज देने के लिए, मतलब इससे क्या ये मतलब निकाला जा सकता है? हम नहीं, नहीं हमारी बात सुनिए, हम जो दिल्ली आने का फैसला है आज से 1.5 महीना पहला बोल दिया था जी, जब सरकार के गवर्नरों राही मांग पत्र दिए, डीसी राही देश के राही मांग पत्र भेजे, बार बार उनको बेनती की केंद्र की सरकार को कि आपने किसानों के साथ 9 दिसंबर को जब वापस हम दिल्ली से आए थे वादा किया था उनको पूरा किया जाए, सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। किसानों ने कहा हम दिल्ली आएंगे, आज से लगभग 40 दिन पहलों का ऐलान है, हमने तो रुके नहीं, सरकार ने प्रबंध करना किया हरियाणा की ने कि हम आने नहीं देंगे, हजारों गोले किसानों पर बरसाए जा रहे हैं, किसानों ने क्या नुकसान किया है दिल्ली बैठकर भी पहले 13 महीनों में नहीं किया। जो बोलते हैं कि दिल्ली में आएंगे ट्रैक्टर क्यों लेकर आते हैं, हमारे पास तो ठीक है सर, अब मैं बाकी लोगों की भी टिप्पणी ले लेती हूँ जी। हम कहाँ क्या गाड़ी कहाँ से लेके आए? हाँ ठीक है, आपकी बड़ी बात है, बड़ी बात आपकी ओर से कही गई। आर एस परोदा साहब मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, एक बार अनुज जी की मैं जल्दी से यहाँ पर एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अनुज जी, अब बार बार ये भी पूछा जा रहा है ना, चूंकि राजनीतिक दलों की भी इसमें भागीदारी बढ़ती हुई चली जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन नजदीक है, कई राजनीतिक दल ऐसा तो नहीं कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहेंगे और आपके जो मुद्दे हैं वो कहीं गौण ना हो जाएं? फिलहाल आज की बातचीत से किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बातचीत से ही हल निकलेगा ये कंफर्म है, लेकिन सरकार बातचीत से हल निकालना नहीं चाहती, सरकार सिर्फ और सिर्फ गुमराह करना चाहती है। आपने कहा कि कुछ राजनीतिक दल किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं, सबसे ताकतवर भाजपा है क्योंकि सरकार में बैठी है, तो भाजपा ही कंधे किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चला ले, चुनाव का समय भी है, क्यों नहीं चला रही है भाजपा? सिर्फ आरोप लगाना, इस देश का विपक्ष ही तो मर गया है, तभी तो किसानों को इतनी दिक्कत हो रही है। अगर विपक्ष मजबूत रहता, विपक्ष लड़ता अगर संसद के अंदर और हर जगह विधानसभा के अंदर, तो किसानों को इस तरीके की दिक्कत ही नहीं होती। किसानों को दिक्कत इसीलिए कि देश में विपक्ष खत्म हो गया, तानाशाही पनपने लगी है, इसीलिए किसानों को दिक्कत है। किसानों ने अभी तक प्रदर्शन शुरू नहीं किया, किसान तो अभी दिल्ली जा रहे हैं, और ट्रैक्टर से इतने ऑब्जेक्शन क्यों है भाई? हमारे पास कोई हवाई जहाज है, कैसे जाएंगे? या तो घोड़े तांगे से जाएंगे, आज के समय में ट्रैक्टर था, पहले बैल से जाते थे, जब बोट क्लब पे 87 का आंदोलन महेंद्र सिंह टिकैत जी ने किया, बाबा जी ने, तो क्या हम लोग बैलगाड़ी से नहीं गए? उस समय बैलगाड़ी का साधन था, बैलगाड़ी से गए, और ट्रैक्टर का साधन है, ट्रैक्टर से जा रहे हैं। कल को हमारी हालत सुधरेगी, हमारी दशा दिशा सुधरेगी। अनुज जी, लेकिन आप जिस दादाजी की बात कर रहे हैं, उनके वक्त में इधर लाल किले में इस तरह का जो स्थिति हमने देखी थी, उसको अब जिस भी शब्दों से नवाजा जाए, कम से कम वो तो नहीं था, लेकिन हमने बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं हुए, सबकी आंखों के सामने वो दृश्य है कि भारी तादाद में कुछ अराजक तत्व किसानों का फायदा उठाकर कैसे उसमें दाखिल होते हैं। अब जवानों को अपनी जान बचाकर, महिला जवानों को अपनी जान बचाकर छलांग लगानी पड़ी थी, वो अभी भी हमारी आंखों के सामने है। मैं वहीं पर थी, लाल किला के पास ही। बिल्कुल चित्रा जी, चित्रा जी, एक मिनट, मैं आ रही हूँ। आर एस परोदा जी, भैया अनुज की बात हो जाए, वो किसानों की बात रख रहे हैं, पर उनकी बात हो जाए सर प्लीज। चित्रा जी, जिस लाल किले की बात बार बार लोग कहते हैं, उस लाल किले में आप बता रही हैं कि किसानों के बीच में कुछ जो है गलत लोग घुस गए थे जिन्होंने हिंसा फैला दी, तो ये बात तो स्पष्ट है कि किसानों ने हिंसा नहीं फैलाई, गलत लोग जो घुसे थे उन्होंने हिंसा फैलाई। बिल्कुल, आखिर इस चीज की जांच सुनिए, इस चीज की जांच कौन करेगा? इस चीज की जांच सिक्योरिटी एजेंसियों ने किया। आप बताइए कि जो चार्जशीट लगी लाल किला हिंसा की, उसमें किसी भी एसपीएम के नेता को क्या आरोपी बना दोषी बनाया गया? आरोपी सब थे, लेकिन सब के सब दोष मुक्त हुए। और कहीं अगर सुरक्षा में चूक होती है, कहीं कोई गलत लोग घुसते हैं, तो उसके लिए देश की सिक्योरिटी एजेंसी खराब। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। एक बार जी, आपकी बात सही है, मैं इस सवाल पर आऊंगी। बिल्कुल सर, आपने वाजिब सवाल पूछा। एक बार अनुज जी की, हाँ अनुज जी बोले बोले बोले। देश की सिक्योरिटी एजेंसियों का फेलर था लाल किला हिंसा, किसान सीधा साधा था, जानबूझ के भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने किसानों के भेष में अपने लोगों को भेजा लाल किला पे,
आपको पता है जितनी समय वहां आंदोलन 13 महीने का चला, तो सर आप ही लोग पकड़ लेते जो वहां पर किसान गए थे, जो भी अराजक तत्व थे उनको आप लोग ही पकड़ लेते। हाँ, स्पष्ट हो रहा है अगर हम लोग सुलाए करते, अगर हम इतने सक्षम रहते कि हम जो हमारे बीच में कुछ घुसपैठिए सरकार घुसे देगी, जिनका सरकार को संरक्षण रहेगा उनको किसान कैसे पकड़ सकता है। ठीक है, आपकी ओर से बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। ठीक है, आपकी ओर से बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं।